एक बंदे की अगर किसी को अल्लाह ने फेम दे ही दिया, अल्लाह ने उसको इज्जत दे ही दिया, आप उसकी कौन होते हो उसकी इज्जत उछालने वाले। आपकी बहन ने प्लेट तैयार कर ली है, अरे अम्मी ने लिया मेरे लिए, अम्मी कहती मेरी बेटी को जो पसंद है वो ले ले। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे और अपना दिन बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, मेरे व्लॉग्स भी देख रहे होंगे। मैं देखती हूँ कि आप लोग देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, रियली लाइक इट कि आप लोग इंगेज होते हैं मेरे व्लॉग्स पे, कैसे इंगेज रहा करें, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करते हैं आप लोग, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो बस यही चीज़ है जिस वजह से मैं डेली व्लॉग बना लेती हूँ कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और कमेंट्स वगैरह करके मुझे बताते भी हैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सीन आज का कुछ ऐसा है कि बनानी थी मैंने बिरयानी जिस दिन अम्मी जान ने आना था, लेकिन उस दिन मौका नहीं मिल सका, तो हमने सोचा कि आज हम बना लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी आफ्टर आई थिंक अ मंथ, मैंने रमज़ान में मेरे ख्याल बनाई थी, इट्स बीन अ मंथ आई थिंक सो। तो चलते हैं बिरयानी शिरयानी बनाते हैं, और तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें तो बिल्कुल मत भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, अभी मैं स्टार्ट है, मैं सीख रही हूँ, मुझे चीज़ें बताया भी करें, कहाँ आप लोग को कोई कमी लगती है मुझे बताया करें ताकि मैं उसको और बेहतर बना सकूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, और चलते हैं अपना ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और बिरयानी बनाते हैं। ये बंदा 2 सालों से कॉल पे लगा हुआ है, ठीक है, आप ताकि क्लाइंट भी, हाँ मतलब कि कहने का मतलब ये ताकि क्लाइंट भी एंटरटेन होता रहे और हमें भी मसला ना हो, उसको भी मसला। 2 साल से अब जो चीज़ें कर रहे हैं कि आप फोन नहीं बंद हो रहा है बंदे का, वो चीज़ें अंदर सारे वेट कर रहे हैं और इन बंदे का फोन बंद नहीं हो रहा, ताकि उसको पता हो कि ये बंदे टेक्निकल इन कुछ चीज़ों का इलम है, चाहे वेबसाइट है कुछ भी है। What is this behavior? मैं इतना भी नहीं देख रहा। What is this behavior? ये देखो, कोई लिफ्ट नहीं, क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका करते रहे बात, हमें क्या, हम करने लगे दरवाजा बंद, अब बाहर ही रहो। देखो याद आ गई है घर आने की, लॉक करने वाली है, बाहर ही रहे, रो क्यों रही हो आप? आज बिरयानी बनाते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। देख लें मल्टीटास्किंग हो रही है, बिरयानी भी बना रहे हैं, बच्चे को भी सुलाना है, बच्चे को नहलाना भी है, फिर घर भी साफ करना है। चांद का टोटा हो तुम, चांद का टोटा हो तुम, चांद ग्रहण का टोटा हूं मैं। आपने आज कमेंट में लाजमी बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा था। बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा गाइस, बहुत बुरा, कमेंट करें बहुत बुरा, कुछ बोलने के लिए हमने छोड़ा ही नहीं, क्या बोलूं, जा रहा हूं ब्लॉग में, बस मैं अबू धाबी तक जा रहा हूं, इतनी मेहनत कर रही है बिरयानी बनाने, मैंने बिरयानी खा रखी खानी है, मैं इंशाल्लाह तआला 9 बजे तक घर हूंगा। बाकी यार ऐसे मेरे से नाराज ना करो, मैं सफर पे जा रहा हूँ, पहले मैं जिंदगी में सफर कर रहा हूँ, अब मैं अबू धाबी जा रहा हूँ, मैं बस अभी जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा ऐसे वापस आ जाऊँगा। नहीं मैं फौरन मैं बोल के चले जाना ना, वो कार्ड में पैसे हैं, आप लोगों ने कहीं जाना होगा चले जाना सिटी सेंटर किसी मॉल शॉल, नहीं मैं वो क्यों बताऊं हमने किधर जाना, हम जा मर्जी, फिर मेरा कार्ड क्यों यूज़ करोगी आप मुझे बताओ, मैं आपका कार्ड नहीं यूज़ करती, फिर आप क्या यूज़ करोगी, मैं आपका कार्ड नहीं यूज़ करती, आप बता दे सबको कि मैं आपका कार्ड नहीं यूज़, ये मेरा कार्ड यूज़ नहीं करती, अपना कार्ड यूज़ करती हूँ, लेकिन कैसे करती हूँ आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, ठीक है ना, मैं आप लोगों को वेट करूंगा, मैं कल वाले व्लॉग में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। मैं कार्ड यूज करती हूँ, ठीक है ना, मैं किसी को बताना नहीं चाह रही, सबको पता है कि मैं कार्ड कैसे भरती हूं। 100% पता है कि मेरी गाड़ी सिर्फ नज़र की वजह से ख़राब हुई है, कि किसी की नज़र लगी है और ऐसी भी गंदी नज़र लगी है ना इस पर, मैं क्या बताऊँ, मुझे एक बंदे का नाम मालूम है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किसकी गंदी नज़र लगी है मेरी गाड़ी पे। उसका नाम शुरू होता है जी से, अब गेस करें, बेबी जी, बेबी जी नहीं, अल्लाह माफ करे, देखो बेबी जी, यशु बाबा कह रहे हैं कि आपकी नजर जी, गाड़ी को जी और
बनाते हैं बिरयानी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आ गया, मैं देख लिया मुझे चूल्हे के पास आग लगा दी है मैंने, आपको पता कहाँ पर लगाइए। इसमें सारी चीज़ें वगैरह डाल देते हैं, जो जो बिरयानी के मसाले वगैरह चीज़ें वगैरह सारे डाल के बना बन के, तो मसाला जब तक मैं बनाती हूँ फिर बाद में आपको दिखाऊंगी कि मसाला कैसा बन रहा है। ओके गाइस, यहाँ से मैंने ये चावल निकाल ले और मुझे ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे ओए, कौन कटे है चावल। गाइस, बिरयानी का मसाला हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शेफ हो चुकी है, लाइक कर दिया कि जैसे बहन की रेसिपीज। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आराम से इसके बोली थी कि बेरीज ही सो रही है बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद। अब मैं फिर बोल देती हूँ चावल, जब तक इसका मसाला हो जाता है हम बिरयानी में कंप्लीट कर लेते हैं, और मिस्टर उस्मान अली के आने का वेट करते हैं, वो आएँगे तो फिर ढूंढ सेंगे। लेट्स मेक इवनिंग टी, शाम की चाय बना लें अपने और अम्मी जान के लिए, क्योंकि अभी हमें लग रही है भूख, हमने सोचा शाम की चाय थोड़ी सी पी लेते हैं। गाइस, चाय तैयार हो गई है, साथ मैंने एक चिकन का पीस गर्म कर लिया, तो चाय पीते हैं। क्योंकि बहन ने बिरयानी की सेटिंग मार ली है, ठीक है, आप बैकग्राउंड पे सुन रहे हैं एज़ यूजुअल बेबी जी का साउंड ऑन है, ठीक है, बिकॉज शी जस्ट वोक अप। ये बंदा ना सुबह से लगा हुआ है फोन पे, अभी ये बंदा गया हुआ था बाहर और अभी घर आए और अभी भी फोन पे लगे हुए हैं। व्हाट अ लाइफ, ऐसी मस्त लाइफ चाहिए कि मैं हर टाइम फोन पे लगी रहूँ। ओके, इनमें अंदर स्टोरी, मैंने बिरयानी को दे दिया दम, ठीक है, दोपहर की चढ़ाई हुई थी और रात के 9:30 बजे से मैं दम दे रही हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अम्मी के साथ नीचे सलाद का सामान लेने के लिए। चले अम्मी, इसको रहने दे, इसको इधर ही रहने दे, इसको याशु को आप इधर ही रहो, ठीक है, अपने अब्बा के पास मैं और अम्मी जा रहे हैं जैसे सलाद का सामान लेने और बोतल लेने के लिए, क्योंकि बिरयानी के बगैर तो बोतल के बगैर तो बिरयानी हजम ही नहीं होती। मैंने कोई बंदा ऐसे फिक्स होता देखा जिसको मैं ले जाना भी नहीं चाह रही और वो हमारे साथ जा रहा, प्लीज गो इनसाइड, प्लीज गो इनसाइड, प्लीज गो इनसाइड, मैं और अम्मी जाना चाह रहे हैं। नो 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 नो, यू आर नॉट कमिंग, यू आर नॉट कमिंग, अल्लाह ताला खैर दुआ। गाइस, आपने कभी ऐसे किसी बंदे को फिक्स होते देखा फजूल में, मैं और अम्मी जाना चाह रहे हैं लेकिन ये बंदा हमारे साथ फिक्स हो रहा है। यार ये बंदे फोन पे लगे रहते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक, टेक केयर, आप जाएं वापस, वापस जाएं कर सकता है अपना मैकेनिक देखें इसके बाद में, तो कहते मैं भी फॉलो करा रहा हूं। हां हां, वही ना, 2 साल बाद इस बंदे का फोन बंद हो गया। प्लीज आस्क हिम टू गो इनसाइड होम, वी डोंट वांट टू टेक यू। नो माजी नो, हमें बात नहीं करनी इनसे। ओके बाय। गाइस ये देखिए, बंदा फिर फिक्स हो गया बीच में, एक बंदे की वजह से ना हमारी बिरयानी रात के 10 बजे तक लेट हो गई है। हाँ ले लिया, अब हम ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कोई एक्स्ट्रा बंदा भी एक हमारे साथ आ गया है। वो एनीवे इट्स ओके, लेट्स गो। एक्स्ट्रा बंदा जो है ना मेरे आगे पीछे फिर ही जा रहा है, पता नहीं क्यों ये एक्स्ट्रा बंदा है। प्लीज आप सब मुझे बताएं कि कैसे इग्नोर किया जाए। आपके टिपिकल हस्बैंड बताएं कि कैसे इग्नोर किया जाए। ओए होए गाइस, अब इसको मिक्स करके आपने डालना है, सही तरह से मिक्स कीजिएगा कि इसकी बोटियां ना टूटे। गाइस
मैं यहाँ पे ऐसी बिरयानी ना कभी देखी है ना कभी खाई है जो मैं आज खाने लगा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज से पहले मैंने खाई खाई तो है। गाइस दिस इज कॉल्ड फिक्सिंग। वो आपका खाना भी डालेगा। ये वाला तो नहीं रखना है इसको, चम्मच में दे। आपकी बहन ने कबाब भी जला दिए हैं जो दिन बनाए थे, थोड़े थोड़े कबाब भी हो गए हैं। ये भी लेके जाते हैं टेबल पे। ये बहुत मजे की है। अम्मी आप जबरदस्ती तो नहीं कह रही? नहीं, क्यों जबरदस्ती क्यों कहूंगी। पता चले अम्मी भी ऑन कैमरा जबरदस्ती तारीफ कर रही हो। नहीं मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है, माशाल्लाह। As usual. As usual बेकार। बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि मैं नहीं बता सकता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। गाइस आपकी बहन ने प्लेट तैयार कर ली है, ठीक है अब ये खाते हैं। अच्छा यार हम लोगों ने बिरयानी वगैरह खा ली है, ठीक है। तो उस्मान अली ने डिसाइड किया कि कुछ मीठा शीठा खिलाया जाए, तो हम लोग थोड़ा मीठा खाने के लिए जा रहे हैं। अब ये बाहर जूती फंस गई है यार, जूती। गाइस आपकी बहन का माइंड चेंज हो गया, आपकी थकी हुई है तो इसलिए वो नहीं खाएगी। तो आप मुझे बताएं मैं क्या ढूंढ सकती हूँ। मैं तो चाय पीऊँगी एक और चाय पीऊँगी। अभी तक हमारी गाड़ी सही से ठीक नहीं हुई तो इसलिए हम जरा आसपास ही जा सकते हैं कि ठीक हो। क्या उस्मान अली को है मीठा खाने को कहा यार? वो नहीं, मैंने अभी खाना, वो लेटर सम अदर डे। चलो यार जब तक मैं डिसाइड करती हूँ तो हम लोग लिया मेरे लिए। अम्मी कहती मेरी बेटी को जो पसंद है वो ले ले। गाइस गेट योरसेल्फ अ मदर इन लॉ जो आपको खाना अच्छा बनाने पे मीठा खिलाए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मीठा नहीं है, ये देखिए ये है, ये अम्मी मेरे पसंद का मीठा खिलाए। ऑल्दो अम्मी चॉकलेट नहीं खाती लेकिन अम्मी ने मेरे लिए मीठा लिया। क्या अम्मी चाय पिला रही है गाइस? अम्मी ने मीठा खिला दिया ना, अम्मी ने मीठा खिला दिया, चाय आपने पिला दी। गाइस अम्मी जान ने मुझे ये मीठा खिलाया यार, मैंने बिरयानी बनाई तो अम्मी को बहुत अच्छी लगी। अम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को मीठा खिलाती हूँ। क्या करें, मैंने कहा कि मैंने ना उनको ये वीडियो सेंड की, बेली डांस की, फिर मैंने ना वो डिलीट कर दी ना। क्यों? मैंने वैसे ही मैंने कई बार कहा था कि नहीं भी देना ना, मैंने डिलीट कर दी ना, फिर आप फौरन मैसेज आ गया, कहते अभी तो मजा भी नहीं, मैंने मजा ही आने लगा था तो तुमने डिलीट कर दी। डैडी जान बाज आ गए आप, ठीक है ना? आपकी बहनों को मैंने मना किया था कि वीडियो नहीं भेजनी डैडी को। मिस यू डैडी जान, रियली मिस यू। कल आपको वाकई में बहुत मिस किया। सही बता रही थी कि वही ना, डैडी के साथ असल रौनक लगनी थी। अबू जान के सामने तो मुझे शर्म आ रही थी लेकिन अबू जान के सामने डैडी ने भी शरीफ ही रहना। अच्छा यार हम लोग आ चुके हैं घर, जैसे कि आपने मुझे देख लिया, ठीक है। सीन ये है कि मुझे मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है, खून खोल रहा है मेरे अंदर। वो ये सीन है कि यार आप कैसे किसी की लड़की की इज्जत मतलब इस तरह उछाल सकते हो फेक वीडियोज़ वगैरह बना के। आप लोग को यार ज़रा भी शर्म हया नहीं है, ठीक है? आप लोग के अपने घर में माँ बहन बेटियाँ हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी गैरत का मुजारा बंदा कर लेता है कि यार इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करता। 2024 है जिसमें अच्छे भले बंदे को पता है कि यार ये चीज़ें फेक होती हैं, ठीक है, सब कुछ फेक होता है। तो आप ये चीज़ें करके क्या साबित करना चाह रहे हो किसी लड़की की इज्जत के साथ, ठीक है? एक बंदे की अगर किसी को अल्लाह ने फेम दे ही दिया, अल्लाह ने उसको इज्जत दे ही दिया, आप उसकी कौन होते उसकी इज्जत उछालने वाले, ठीक है? तो थोड़ा ख्याल किया करो यार,
मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग सुन रहे कितने नहीं सुन रहे, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये हरकत बहुत ही घटिया है, ठीक है। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती वैसी हरकत की है, और जिसने ये किया है ना उसके सामने ही आएगा, ठीक है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, ठीक है, तुम लोग कौन होते हो किसी की इज़्ज़तें उछालने वाले। तो बहुत ही घटिया हरकत है, मैंने जबकि वो वीडियो सुनी है तो मेरा तो दिल कर रहा मैं उसके मुँह पर जा कर उस बंदे के मुँह पर जा कर थूकूँ, लिटरली थूक फेंकूँ उसके मुँह पर। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया करो, सही है, थोड़ी इज़्ज़त करोगे अल्लाह तुम लोग की इज़्ज़त बनाएगा। और एनीवे मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।